यदि आप चाहते हैं कि किसी भी लड़की को अपने प्यार में दीवानी बना दे, किसी भी शादीशुदा महिला को अपने प्यार में बेचैन कर दे, या किसी भी लड़का को अपने प्यार में दीवाना बना दे, तो आज रात को खाना खाते समय सिर्फ 30 से 40 सेकंड का समय देकर यह एक उपाय जरूर कीजिएगा, यह एक काम जरूर कीजिएगा। बिना मंत्र के वह स्त्री आपके प्यार में दीवानी हो जाएगी। घर बैठे आप इधर वशीकरण टोटका कीजिएगा, उधर वह स्त्री आपके प्यार में टपना शुरू कर देगी, बेचैन हो जाएगी। वह खुद आपके पास फोन करेगी, आपसे बातें करना चाहेगी, आपसे मिलना चाहेगी, आपके बिना नहीं रह पाएगी। बहुत बार ऐसे देखा गया है, प्यार में सबको बेचैनी रख लेता है, बेचैनी चढ़ जाता है सबके सर पे, और वो अपने प्यार के बिना नहीं रह पाता है। और जिसके बिना आप नहीं रह पा रहे हैं, जिसके यादों में आप बेचैन हैं, पल पल उसको याद कर रहे हैं, जैसे ही आप इस वशीकरण टोटका को खाना खाते समय आज रात को कर लीजिएगा, वह स्त्री भी आपके प्यार में दीवानी होकर आपके बगैर नहीं रह पाएगी। यह आजमाया हुआ वशीकरण टोटका है, और इस वशीकरण टोटका से अब तक की लाखों लोगों का काम हो चुका है। बहुत ही आसान है। रात को खाना खाते समय सिर्फ 30 से 40 सेकंड का आपको समय देना है, और यह छोटी सी काम कर लेना है, हमेशा हमेशा के लिए वह स्त्री आपके प्यार में दीवानी हो जाएगी, आपके प्यार में मदहोश हो जाएगी, और आपके पास हमेशा हमेशा के लिए आ जाएगी। देखिएगा, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, कॉल करते हैं, गुरुजी हमारे लव लाइफ में यह समस्या है, वह समस्या है। तो मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, आपके लव लाइफ में चाहे समस्या हजारों हो, उस सब का समाधान यही एक वशीकरण टोटका है। हजारों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक उपाय है। बस आज रात को खाना खाते समय आप 30 से 40 सेकंड का समय देकर यह वशीकरण टोटका कर दीजिएगा, वह स्त्री आपके प्यार में दीवानी हो जाएगी, वह पुरुष आपके प्यार में दीवाना हो जाएगा। आइए बताते हैं। उसके पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम जितने भी बुराएंगे सबसे पहले आप ही के पास में जाएगा। आज रात को खाना खाते समय कौन सा उपाय करना है, कौन सी छोटी सी एक काम करना है, ताकि वह स्त्री आपके प्यार में दीवानी हो जाए, आपके प्यार में दीवानी होकर आपके आगे पीछे घूमना शुरू कर दे, और वो खुद आपके पास फोन करे, दिन रात आपसे बातें करे। आइए बताते हैं। जब भी आप रात को खाना खाने जाते हैं, चाहे वो कोई भी दिन हो, सप्ताह के जो 7 दिन होते हैं उनमें से कोई भी दिन होगा आप कर सकते हैं, क्योंकि यह बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। बिना मंत्र के, बिना माला के आप कर सकते हैं। कैसे करना है आइए बताते हैं। जैसे ही रात को आप खाना खाने जाइएगा, सबसे पहले जब आपके थाली में खाना जो आएगा, उस खाने में से थोड़ी थोड़ी मात्रा में अन्न, मान लीजिए कि चावल खा रहे हैं या रोटी खा रहे हैं, तो रोटी का एक टुकड़ा आप ले लीजिए, अलग रख दीजिए। चावल खा रहे हैं तो चावल में से थोड़ी सी मात्रा में अलग रख दे, और सब्जी में से थोड़ी सी मात्रा में अलग रख दे। उसके बाद में खाना को उसी समय आप क्या कीजिएगा, खा लीजिए, और जो आपने अलग रखा हुआ है उसको क्या करना है, आप अपने बेड पर बैठ जाए, उस रोटी को यानी कि खाना को ले ले, अपने सामने ले ले, पूरब दिशा की ओर घूम करके आप क्या कीजिएगा, उस स्त्री का नाम 108 बार ले, जिस स्त्री को अपने प्यार में दीवानी बनाना चाहते हैं, जिस स्त्री के दिल में अपने लिए मोहब्बत भरना चाहते हैं, उसका नाम 108 बार लेना है, और उस खाने पे फूंक मारना है, नाम लेना है और उस खाने पे फूंक मारना है।
खाने पे फूंक मारिएगा नाम लेकर, उसके बाद में आपको क्या करना है, उसी समय उस खाने को किसी भी गाय को खिला दे। गाय को खिलाते समय आप क्या कीजिएगा, आप उसके सर पे हाथ फेरते हुए आप उस स्त्री का नाम लेकर, अपना नाम लेकर बोलिएगा कि मैं उससे प्यार करता हूँ, उसके दिल में मेरे लिए मोहब्बत भर दीजिए, उसको जल्द ही मेरे पास भेज दीजिए। बस दिल की बातें, मनोकामना आपको बोलना है। चमत्कार आप खुद देखिएगा कि वो स्त्री आपके प्यार में दीवानी होकर आपके आगे पीछे घूमना शुरू कर देगी। यदि आपके दिल में ज़्यादा बेचैनी है कि वो बहुत जल्द आपके पास आ जाए, आपसे मोहब्बत करे, आपके बिना नहीं रह पाए, बहुत जल्द आ जाए, तो आप इसी प्रकार से 2-3 बार कर लीजिएगा, वह आपके पास आएगी, हमेशा हमेशा के लिए आएगी और इसका असर हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। एक बार हो जाएगा वो सिकंद तो किसी के हटाने से भी नहीं हटेगा, बहुत ही पावरफुल है। यदि आपको समझने में दिक्कत हुआ है, नीचे कमेंट कीजिएगा, हम आपकी मदद करेंगे। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम जितने भी बनाएंगे सबसे पहले आप ही के पास में जाएगा।